भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं मानव सेवा उत्थान कैंप में, जहाँ जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा इत्यादि जगहों से लोग आए हुए हैं, और इस कैंप में बहुत अलग अलग राज्यों के लोग रह रहे हैं, ठहरे हुए हैं, और ये लोग सतपाल जी महाराज का प्रवचन सुनने के लिए इतने दूर से आए हुए हैं। तो इसी क्रम में आपको हम बात कुछ लोगों से परिचय करवाते हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संतसेवक अग्रहरी है। जी, मैं गुजरात से आया हूँ। जी, मैं महाराज जी का शिष्य हूँ। जी, काफ़ी दिनों से हूँ। जी, और हमारी फैमिली बोली कि आज हम चलेंगे हाँ। प्रोग्राम में, तो मैं बोला वहाँ दूसरी जगह नहीं जाना, हमें अपने महाराज जी के यहाँ जाना है। जी, इसलिए हम लोग पूरे परिवार के साथ आए हमारे। तो ये आप कब चले थे? हम तो चले हैं 21 तारीख से। 21 तारीख को ही चले हैं? हाँ, 21 और, तारीख से। और पहुँचे कब हैं यहाँ पर? पहुँचे मैं बंगाल, कलकत्ता पहुँचा। जी, कलकत्ता में महाराज जी का 2 दिवस का सत्संग था। जी, वहाँ पे अटेंड किया। जी, प्लस हम वहाँ से गंगा सागर गए। जी, गंगा सागर से और जगह गए, काली हाँ। माता गए। जी, तो तीर्थ स्थल थे वो सब घूमते। अच्छा अच्छा, आप यहाँ आए हुए? हाँ, फिर हम यहाँ सिलीगुड़ी में। जी, तो कैसा लग रहा है यहाँ आपको? अच्छे लगे। अच्छा जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं चंद्रपाल शर्मा जी, और फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ। जी जी, और वैसे तो मैं श्री महाराज जी के सारे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ सद्भावना सम्मेलन के नाम से, ये कवि संसार बचाओ सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन, जी जी, भिन्न भिन्न नामों से आयोजित होते रहते हैं, और जितनी अपनी जैसे समय मिलता है अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार मैं जाता आसन करता हूँ। तो इस बार मेरे मन में ये आया कि अभी हम दो दिवसीय जो सद्भावना सम्मेलन हाँ। ये डिब्रूगढ़ के पास जी जी शिला पथार में हुआ था, तो अभी हम उसको अटेंड करके आ रहे हैं। तो मैंने दोनों कार्यक्रमों को अटेंड करने का कार्यक्रम बनाया है। अच्छा, और तो आज मैं पहली बार यहाँ सिलीगुड़ी में आया हूँ, और तो यहाँ देख करके सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, जी जी, जैसे अरुणाचल है, नागालैंड हाँ, है, मेघालय हाँ, है, त्रिपुरा है जी जी, हाँ जी, और आसाम है, पश्चिम बंगाल के सभी वहाँ के श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, उनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, और ऐसे लग रहा है एक लघु भारत देखने को मिल रहा है। जी तो हाँ जी, धन्यवाद जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान के अलवर से हैं आप? जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुभदार हरिराम जी। आप कब यहाँ पहुँचे हैं? मैं आज सुबह 9 बजे करीब। जी, क्या आप ये पहली बार आए हैं यहाँ क्या? नहीं, मेरे को 2010 से आ रहा हूँ। 2010 से ही आ रहे हैं जी। आप कहाँ से आए हुए हैं? अभी राजस्थान से ही। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, ओके जी। आप कहाँ से आए हुए हैं? बिहार के रहने वाला, लेकिन कलकत्ता से आए हूँ। कोलकाता से आए हैं जी। आपका नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश जी। तो इसी तरह से देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से आए हुए भक्त लोग हैं और ठहरे हुए हैं और इस कैंप में और आ भी रहे हैं, तो एक इन लोगों के बीच में बहुत ही उत्साह का माहौल है, और भी हम लोगों से बात करेंगे। जी, आप अपना परिचय दीजिए। अपना नंबर नाम जी। आप कहाँ से आई हैं? गुजरात से। गुजरात से आई हैं? ओके, ठीक है। तो कैसा लग रहा है यहाँ आपको? अच्छा जी, आप कुछ थकी हुई लग रही है। चले ना पैदल घूमते जी, हाँ। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भक्त लोग जो है सोए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में एक हर्ष का माहौल व्याप्त है। धन्यवाद।